नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना बदेशिया। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में सराय अकिल थाना क्षेत्र के कंधवे के पास संदिग्ध अवस्था में गोली चलने से 112 की चालक होमगार्ड शैलेश कुमार के पैर में गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए, जिसके चलते वह घायल हो गए हैं, जिन्हें घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि होली के त्योहार के मद्देनजर सराय अकिल थाना क्षेत्र में डायल 112 PRV क्षेत्र के कंधवा में तैनात थी, तभी वाहन के चालक गार्ड शैलेश के पैर में गोली लग गई। मामले में पीड़ित वाहन चालक ने बताया कि नशे की हालत में दीवान के द्वारा गोली चलाई गई है, जबकि दूसरी ओर दीवान का कहना है कि सर्विस रिवॉल्वर साफ करते समय अचानक गोली चलने के चलते घटना हो गई है। घटना के बाद मौजूद अन्य कर्मियों ने घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस उच्च अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच भी शुरू कर दी है। कौन थे? दीवान क्या किए थे? गोली चला दी। नशे में थे क्या? अच्छा, कैसे चली गोली? बैठी बैठी पीछे बैठा था, चला दी। अच्छा, आपका क्या नाम है? शैलेश कुमार।